सो हे गाइस एंड तुम सभी का स्वागत है पोकेमॉन ग्लेस के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस पिछले एपिसोड के अंदर तुम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हमने अपना सबसे पहला जिम बैच हासिल किया वॉयलेट सिटी के अंदर, एंड उससे पहले हमने टीम फ्यूजन के मेंबर्स को डिफीट किया था क्योंकि टीम फ्यूजन वापस से आ चुकी है। और आज के एपिसोड के अंदर पता नहीं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस सिटी के अंदर हम लोगों ने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन हम एक जगह के अंदर अभी तक नहीं गए हैं और वो जगह है स्प्राउट टावर जो कि सीधा यहाँ पे है। तो यह हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं और देखने वाले हैं यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती है। द सेज ऑफ इन द स्प्राउट टावर लीड्स अ हार्ड लाइफ, दे ईट वेरी लिटिल एंड वर्क वेरी हार्ड। ओके, यहाँ पे एक पोकेबॉल है, मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर है क्या। एक्स डिफेंस, ओके, मैं वैसे इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे बेचने के काम में आएंगी क्योंकि मेरे पास तो पता है पैसों की बहुत कमी हो रही है। द कोर ऑफ स्प्राउट टावर स्वेस बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑफ दिस स्प्राउट टावर विद स्टैंड अर्थक्वेक विद ईजी। ओ भाई बहुत ही सही है। आई गेस ये सीढ़ियाँ हैं, या ये सीढ़ियाँ ही थी। इधर कुछ है नहीं, इधर कुछ नहीं है। ओ फ्रोकी, लीव दिस टावर एट वंस, यू हैव शोन नथिंग बट डिसरिस्पेक्टेड टूवर्ड्स मी, यू गॉन सॉफ्ट इन एज, हैव यू फॉरगेट द मैसेज वॉज प्रीच, नो मैटर वी विल कंटिन्यू विदाउट यू। पीयूष, ओ यू मस्ट बी वेटिंग टू टॉक टू लेफ्टिनेंट दैट ओल्ड फूल, नो नथिंग ऑफ रिलीजन, टेल मी आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द लॉर्ड अर्सियस, यस आई सी आई मस्ट लीव, आई हैव इम्पॉर्टेंट इश्यूज टू अटेंड टू, इफ यू फील द वे ऑफ अर्सियस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट द चर्च ऑफ अर्ल। ओके, हम जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे। दैट पीयूष मे बी वन डे ही विल बी सेंसिबल इनफ टू सी द ट्रू वे टू लिव। In any case, I am Lee, the elder of Sprout Tower. You have beaten my sages in battle, which means you are worthy to learn the move Bounce. Would you like me to teach one of your Pokemon the move Bounce? Yes. Okay, मतलब मैं बहुत ही what? मेरा एक भी Pokemon Bounce सीख नहीं सकता यार, एक गलत बात है यार। Do not rush. Okay, मेरे को मतलब एक ऐसा Pokemon चाहिए होगा। एस्केप रोप, एक काम करते हैं एस्केप रोप से फटाफट से बाहर निकलते हैं एंड अपना कोई ऐसा पोकेमॉन लेके आते हैं जो कि सीख सके। सो वेलकम गाइस, हम लोग दोबारा आ चुके हैं लेफ्टिन के पास बाउंस सीखने के लिए। एंड या हमारा पिकाचू इस बार सीख सकता है बाउंस को। ओके यस, ओके, अब हमें कौन सा मूव हटाना चाहिए? जैप कैनन, डबल एच, लाइट स्क्रीन हटाना चाहिए मेरे को आई गेस। ठीक है, ओके, फाइनली हमने बाउंस लर्न कर लिया है। द ट्यूटोरिंग वॉज होली सक्सेसफुल, टेक केयर एंड एंजॉय योर जर्नी दो जोटो। क्या हम दोबारा से किसी, यस हम दोबारा से किसी और पोकेमॉन को भी सिखा सकते हैं। तो मेरे को ना एक काम और करना है कि जैसे कि तुमने दिखा कि जो बाउंस है वो फ्लाइंग टाइप मूव है, तो अगर मैं किसी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को लाऊं और उसे बाउंस सिखाऊं तो क्या वो सीख जाएगा? क्योंकि मेरे को अभी एक ऐसी चीज़ मिली है जिसका तुम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे जस्ट स्प्राउट टावर के अंदर, तो मेरे को बस वो चीज़ चेक करनी है। ठीक है, जस्ट वो चीज़ चेक करनी है मेरे को। अब पहले डिपॉजिट करता हूँ मैं रेजी रॉक को, एंड देन विड्रॉ करते हैं अपने कहाँ गया इलेक्ट्रबस को, या इलेक्ट्रबस को। एंड एक चीज़ मेरे को मिली, ट्रेड स्टोन। अब क्या ट्रेड स्टोन में इलेक्ट्रबस इवॉल्व हो पाएगा? यस गाइज, फाइनली तुम लोगों का जो सपना था वो पूरा हो गया है, हमारा जो इलेक्ट्रबज है वो इवॉल्व हो रहा है फाइनली गाइज। तो गाइज इसी लाइक पे एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है गाइज, हमारा इलेक्ट्रबस इवॉल्व हो रहा है फाइनली। तुम्हारा सपना मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है, यस यू कैन डू इट। ओके, हो गया इलेक्ट्रबस हमारा इवॉल्व, बहुत ही बढ़िया। ओके, कोई नया मूव? थंडर, यस मेरे को थंडर सीखना है। ओके थंडर, थंडर क्या हटाया जाए, क्या हटाया जाए? थंडर का डैमेज है 110, थंडर बोल्ट का 90, तो आई गेस मुझे थंडर बोल्ट हटाना चाहिए। क्या बहुत बढ़िया। वेल, जो मेरी टीम है वो डिसाइड हो चुकी है फाइनली। हमारे टीम में वापस आ चुका है सेलेपेंस एंड पिकाचू, क्योंकि जो बाउंस मूव है
वो कोई और पोकेमोन लर्न नहीं कर सकता, सिर्फ पिकाचू लर्न कर सकता है। एंड अगर पिकाचू के साथ इलेक्ट्रोबस को अपनी टीम में रखता है तो दो दो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हो जाते और अपनी टीम में एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन की भी जरूरत है, इसलिए मैंने सेलेमेंस को अपनी टीम में रख लिया है। एंड क्यूरम तो अपनी टीम में है ही। तो या हमारी टीम में अब दो ड्रैगन टाइप पोकेमोन हो चुके हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो इधर से आई गेस रास्ता तो है, लेकिन हम अभी इधर नहीं जाने वाले, हम जाएंगे इधर की साइड से। वेट अ सेकंड, इधर की साइड से। अब मुझे नहीं पता यहाँ से हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। वेट अ सेकंड, ये क्या है? लेजेंडरी पोकेमोन रिसर्च लैब, व्हाट रियली में? वेट, ये कौन आया है? आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई मस्ट बीन सो एक्साइटेड अबाउट कैचिंग अ सूडो वूडो, आई फॉरगेट टू लुक वेयर आई वॉज गोइंग, लुक एट माई सूडो वूडो। सिंपल बोलना, तुझे बैटल करनी है भाई। मैग्नर जॉन, ओके नो प्रॉब्लम, हम सर्फ मारेंगे, इसका खेल खत्म करेंगे। वाच, वो भी सर्फ यूज कर सकता है, मेरे को पता नहीं था यार। मैग्नेजॉन भी सर्फ यूज कर सकता है, चलो कोई बात नहीं। अगला सूडो वुड है एक रॉक टाइप पोकेमॉन, तो सर्फ से काम बन जाएगा हमारा। लेवल 50 के पोकेमॉन, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तुम्हें लेवल के पोकेमॉन मिल जाएंगे जो कि हाई लेवल के होंगे। आई एम सॉरी आई फॉरगेट टू प्रॉपरली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज लार्स एंड आई एम रिसर्चर एट द लेजेंडरी पोकेमॉन रिसर्चर लैब, यू ऑट टू स्विंग बाय सम टाइम, आई बिलीव वेटिंग। ओके, तो ये हमें अपने रिसर्च लैब में बुला रहा है, तो हम चलते हैं। यू केम, लेट मी फॉर्मली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज लार्स एंड आई डू माई बेस्ट टू ट्रैक द वेयर अबाउट लेजेंडरी पोकेमॉन टेटर ऑन द मूव, आई एम एक्चुअली द लीडिंग एक्सपेक्ट ऑफ द इनो ड्यूओ लेटियास एंड लेटियोस, दे नेवर इन वन प्लेस, सो आई लिसन टू रिपोर्ट्स ऑफ देयर वेयर अबाउट्स, इफ यू आर एवर वॉन्ट टू नो वेयर दे आर आई कैन प्रोबेबली टेल यू। ओके वट, एक मिनट रुक जाओ। आई रिसीव रिपोर्ट्स दैट लेटियास हैज बीन सीन नियर जेमिनाइट विलेज, वुड यू गो एंड सी? श्योर भाई, मैं क्यों नहीं जाऊँगा जेमिनाइट विलेज में, तो हम जरूर जाएंगे। जेमिनाइट विलेज यहीं का होना चाहिए ना। ओके सो गाइस, मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, तुमको याद होगा। तुमको सिंपली क्या करना है, तुम्हें जहाँ पे हमने फॉलो जेमिनाइट विलेज का रास्ता जाता है नीचे, तुम्हें वहीं से वापस आना है। एंड देन तुम्हें जाना है यहाँ पे वाटरफॉल से, तुम्हें नीचे उतरना है एंड तुम्हें सीधा यहाँ पे लैंड करना है। तुम देख सकते हो कि हमको जो है वो लेटियास मिल चुका है, तो हाँ शायद हमारे पास इतनी इनफ बॉल होनी चाहिए कि हम लेटियास को पकड़ सकें। लेट मी चेक, ओके 34 अल्ट्रा बॉल्स है, आई गेस इतना काफ़ी रहेंगे लेटियास को पकड़ने के लिए, लेकिन जब सेफ्टी के लिए मैं गेम को सेव कर लेता हूँ। ही या आई एम लेटियास, डोंट यू नो ही डू यू वॉन्ट अ बैटल मी, ओके लेट्स बैटल ही। तो ना चाहते हुए भी आज का एपिसोड हमारा इनडायरेक्टली लेजेंडरी हंट बन चुका है, तो देखते हैं भाई क्या सीन होता है। हम शायद इसको हरा भी दें, शायद से ना भी हरा पाए, कुछ भी हो सकता है भाई गेम के अंदर। तो शुरुआत करता हूँ सर्फ से मैं, क्योंकि जितने लेजेंडरी पोकेमोन आएंगे उतना मेरे को बहुत टफ डिसीजन पड़ जाएगा कि मैं उसको टीम में रखूँ या फिर ना रखूँ। ठीक है, अभी मैं वो वाले मूव यूज़ कर रहा हूँ जो कि इसको कम डैमेज देंगे, क्योंकि मेरे को उसको पकड़ना है अच्छी तरीके से। तो या मेरा प्लान यही है, इसको डैमेज कम दो और हम डैमेज ज़्यादा लें ताकि हम इसको ईजिली पकड़ सकें। ठीक है, अभी प्लान मेरा यही चलने वाला है। तो हमें इसको थोड़ा सा और वो करना है, डैमेज देना है, तो आएगा एक और सर्फ से काम बन जाएगा। प्लीज़ फुल हेल्थ ना चाहिए, अरे यार फुल हेल्थ चली गई है इसकी, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने वापस इसको लोड कर लिया है। तो मैं कोई और पोकेमॉन देखता हूँ कम लेवल का जो कि इसको कम नुकसान दे। फाइनली गाइस लेटियास को मैंने पकड़ लिया है, बहुत ही मुश्किल से पकड़ा मैंने, और मैं तुम्हें एक प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने इसको रियली में पकड़ा भी है। देख लो भाई मेरी पोकेबॉल्स देख लो तुम, 31 है, और तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैंने इसे रियल में पकड़ा ही है ईमानदारी से। तो या अब हम लोग वापस जाने वाले हैं उसी रिसर्चर्स के पास जिसने हमको पता बताया था। सो हम लोग वापस से आ चुके हैं रिसर्चर्स की लैब के पास एंड हम बात करते हैं। I haven't received any reports of the whereabout of Latias or Latios. I'm sorry. भाई वो पोकेमॉन मेरे पास है भाई, तुझे को यकीन नहीं हो रहा? रुक मैं तेको दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ मैं कि वो पोकेमॉन मेरे पास है भाई, मेरे पास है वो पोकेमॉन भाई, देख
लेटियास। चलो दिखाते हैं इसको, देख भाई इसको यकीन ही नहीं हो रहा। चलो छोड़ो, अपन के पास लेटियास तो आ ही गया है, तो हम दूसरी सिटी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम, ओह आई रिमेंबर यू, यू वर दैट चाइल्ड एट स्प्राउट टावर, कम विद मी, आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। ओके, तो ये हमको क्या दिखाना चाहता है भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो ये हमको दिखाना चाहता है? हमें कहीं ले जा रहा है ये। दिस इज द ब्रास टावर, इट वॉज बर्न डाउन मैनी ईयर अगो, बट द पीपल ऑफ एक्यूटिक रीस्टोर्ड रिसेंटली। आई ऑफन कम हियर टू रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी। टेल मी, डू यू बिलीव ह्यूमन शुड बी एबल टू कैच लेजेंडरी पोकेमॉन? येस आई सी द चर्च, आई कम फ्रॉम बिलीव द लेजेंडरी पोकेमॉन शुड नेवर बी अंडर ए ह्यूमन कंट्रोल। आई हैव हियर्ड अ बैंड ऑफ थग्स कॉल्ड टीम फ्यूजन हैव स्टोलन द वोल्केनो ऑफ फ्रॉम द रून्स ऑफ अल्फ। दिस कंसर्न मी बिकॉज इट मीन्स दे विश टू कैप्चर एंटे। द चर्च ऑफ अल्फ विल डू वॉट वी कैन फाइट दीज क्रूक्स। If you hear anything about Team Fusion, feel free to contact me in Whitewood City. Noctowl, use fly. Okay, ये बहुत strange बात है। ये कौन सी टीम में गया था? I guess मेरे को याद भी नहीं है। तो एक काम कर लेता हूँ कि मेरा क्यूरम को fly नहीं आता, तो हमारी टीम में वैसे Latios तो आ ही चुका है, तो मैं जरा fly है, fly कहाँ गया मेरा, ये fly ये रहा, इसको सिखा देता हूँ मैं अपने लेटियास को, क्योंकि हमारी टीम में लेटियास ही रहने वाला है। मैं भाई चाम को हटा के फ्लाई सिखा रहा हूँ, ठीक है? अब एक बार मैं चेक करने वाला हूँ क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। एवर सिंस द ब्रास टावर वॉज रीबिल्ड, द सिटी हैज इंक्रीज सिक्योरिटी ऑन बोथ टावर, नन में एंटर द ब्रास टावर विदाउट परमिशन। ओके, कोई विदाउट परमिशन जा नहीं सकता। अब एक चीज़ मुझे चेक करनी थी, जो वो बंदा आया था उसने सिटी का कौन सा नाम लिया था, सियानवुड सिटी, ओलिविया सिटी, वाइटवुड सिटी। तो वाइटवुड सिटी जाने के लिए हमको आई गैस इस रूट पे जाना पड़ेगा। हम लोग सही जा रहे नहीं जा रहे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। या हम लोग सही जा रहे हैं, इस पंटर को हम लोग बहुत ही आसानी से हरा चुके हैं। एंड या यहाँ पे काफ़ी सारे पोकेमॉन हैं जो कि लेवल 40 के हैं, लेकिन हमें टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपन के तो भाई 60 तक पोकेमॉन के लेवल गए हैं, और ये बंदा फाइट कर सकता है, बच गया मैं। ओह ये कौन है? व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू हियर चिराग, यू हैव सीन कैटो एट ऑल? आई एम अ लिटिल वरीड, आई हैवंट हियर्ड फ्रॉम हिम अ वाइल। आर यू स्टिल गोइंग स्ट्रांग विथ योर जिम बैटल्स? यस, जस्ट वन बैच, दैट्स प्रिटी गुड, लेट मी सी हाउ गुड यू आर इन बैटल। ऑलराइट, तो बैटल स्टार्ट हो रहे वाली है गाइस, देखते हैं कि क्या हम इसे हरा पाएंगे। ओके, सबसे पहला पोकेमॉन है राइचू, एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अबॉबी को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि यू नो एज वेल कि इलेक्ट्रिक का ग्रास पे काफ़ी कम असर होगा और हमारा उस पर असर हो सकता है या, लेकिन हम पैरालाइज हो गए हैं, ये बहुत बुरी बात है मान लिए, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट पोकेमॉन है मगेनियम, इसका तो मैं इन्फिनिप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिप का ज़्यादा उस पर फ़ायदा होगा ना, इसलिए बोला, जस्ट और कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका? नेक्स्ट पोकेमॉन है एप्सोल। तो भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं एप्सोल के साथ फ्लेम थ्रोअर में जाना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया, एक ही बार में ख़त्म। ओके, नेक्स्ट पोकेमॉन है गारचॉम। तो गारचॉम को यार दिक्कत हो सकती है, तो पहले फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता हूँ मैं। ओके, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। नेक्स्ट मार्क पंच, मार्क पंच से भी फ़ायदा हो रहा है। ओके, कट यूज़ करेंगे, ओ शिट नो। ओके, नेक्स्ट पोके, नेक्स्ट मेरे को आई गेस यूज़ करना चाहिए मॉनर को, क्योंकि मॉनर के पास अर्थक्वेक भी है, सर्फ भी है, वाटरफॉल भी है, तो मैं डाइव के साथ जाना चाहूँगा। ओके, ये बात बढ़िया बात है, दोनों साथ में गए हैं और मेरा अटैक पहले काम करेगा। ओके, ज़्यादा काम नहीं किया, मैं दोबारा डाइव के साथ जाऊँगा, क्योंकि भाई वो डिग यूज़ करके मेरी ऐसी तैसी मार सकता है वो, मैं भाई डाइव ही यूज़ करता रहूँगा भाई। अरे भाई उसने मुँह मार दिया था अपना, वो भी क्या करें यार, अब अर्थक्वेक मारे हैं, लो भाई हम तो चले भाई। लेटियास यूज़ करता हूँ मैं और फ्लाई। अरे नहीं नहीं प्लीज़ नो शेट, क्यूरम को यूज़ करके देखते हैं, बस हम पे हावी ना हो जाए वो। ब्लिजर्ड प्लीज़ काम कर जाइयो, नो ड्रैगन क्लॉ, नो नो नो,
अरे यार अब अभी यूज़ करता हूँ मैं, और एक काम और कर लेता हूँ फिर, मैं बैग में जाता हूँ, रिवाइव हर्ब को यूज़ कर लेता हूँ मॉनर के ऊपर, होप्स हो कि इस बार कुछ काम बन जाए हमारा। ओके वापस से मैं मॉनर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सर्फ यूज़ करते हैं, प्लीज़ बच जाइयो, बच गया। ओके ओके मैं बैग में जा रहा हूँ, मेरे पास हाइपर पोशन होगा। हाइपर पोशन, हाइपर पोशन, वेयर इज़ माई हाइपर पोशन? यार ये बहुत ही इंटेंस बैटल बन चुकी है, मेरे को हाइपर पोशन सुपर पोशन कुछ तो मिल भाई। तो मैं पिकाचू को वापस ले आऊँ ताकि उसका डैमेज पड़े तो पिकाचू पे ही पड़े। ओके एंड देन अब मैं दोबारा यूज़ करूँगा इन्फनेप, एंड उसके बाद मैं फ्लेम थ्रोअर मार दूंगा भाई। ओके मेरे को बस दोबारा बचना है इससे। अगर मैं एक काम करूँ कि मैं वापस मॉनर को लाऊँ तो उसका अटैक उस पर लग जाएगा, है ना। और अब मैं लाऊं इन्फनेप को तो मे बी हमारे अटैक काम कर जाए। ओके ओके फाइनली गाइस, हमने बहुत ही मुश्किल से गार्चम को हरा दिया है। पता नहीं इस बार इतनी दिक्कत क्यों हुई गार्चम को हराने में, वैसे दिक्कत होती नहीं मेरे को। ओके बस ये भी कोई ऐसा वैसा मूव यूज़ ना कर दे जो कि मैं हार जाऊं, भरोसा नहीं है इन लोगों का। ओके नेक्स्ट पोकेमोन इज बर्लूम। क्या मेरे को यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए पोकेमोन को यूज़ करने का? ओके ब्लेम थ्रोअर प्लीज़ काम। ओके गाइस फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बैटल के बाद मैंने उसको हरा दिया है। अब मेरे और हिम्मत नहीं है बैटल करने की, सही में आज के लिए बहुत बैटल हो गई है। आई एम गोना हेड टू द एवरग्रीन जिम एंड चैलेंज माई ब्रदर। आई प्रोबेबली स्टॉप बाय ऑलिवाइन अलोंग द वे। आई एक्सपेक्ट माई राइवल टू कीप देयर स्किल शार्प, सो कीप ट्रेनिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो गाइज आज की इस इंटेंस बैटल के बाद मैं और इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाऊँ। सो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप कि तुम लोगों ने आज की इस छोटी सी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। सो गाइज मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।